हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कर्ड यानी कि दही फेशियल, जो आपकी स्किन पर इंस्टेंट निखार लेकर आता है। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन ग्लोइंग, सॉफ्ट और बेदाग रहे। इसके लिए हम तरह तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स और पार्लर में जाकर महंगे महंगे फेशियल करवाते हैं, लेकिन फिर भी हमें मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन आप अपने किचन में रखी चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा करें तो आपको कई सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपके खाने के साथ साथ आपके स्किन और हेयर के लिए भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इन सभी चीज़ों में शामिल है दही, जो ना सिर्फ आपके खाने के टेस्ट को बढ़ाती है बल्कि आपकी स्किन और हेयर को भी काफ़ी अच्छा कर देती है। दही हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो स्किन पर होने वाले डेड सेल्स को हटाता है। इसके साथ ही स्किन पर दही लगाने से डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशन और सनबर्न की प्रॉब्लम भी दूर होती है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम करेंगे फेस की क्लींजिंग। इसके लिए आपको एक चम्मच दही लेना है और इसे अपने पूरे चेहरे पर अप्लाई कर लेना है और हल्के हल्के हाथों से 2 से 3 मिनट तक फेस की मालिश करनी है। क्लींजिंग करने से फेस पर जमा धूल मिट्टी और गंदगी हट जाती है और फेस की अच्छे से सफाई होती है। इसके बाद अपने फेस को साफ कर लें। इसके बाद हम करेंगे चेहरे की स्क्रबिंग। स्क्रब बनाने के लिए आपको लेना है 1 चम्मच दही। इसके बाद इसमें ऐड कर देना है 1/2 चम्मच मसूर की दाल का पाउडर। अब दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें और अपने पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लें। 5 मिनट तक बिल्कुल जेंटल हाथों से गोलाई में घुमाते हुए फेस की स्क्रबिंग करें। स्क्रब करने से फेस की डीप क्लींजिंग होती है और साथ ही एक्स्ट्रा ऑयल भी रिमूव हो जाता है। इसके साथ ही स्किन पर होने वाले दाग धब्बों से भी छुटकारा मिलता है। स्क्रब करने के बाद फेस को साफ कर लें। नेक्स्ट स्टेप में हम फेस की मसाज करेंगे। मसाज क्रीम बनाने के लिए आपको लेना है 1 चम्मच दही और इसमें बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देनी है। आप यहाँ पर वाइल्ड टर्मरिक का यूज़ करें और बिल्कुल थोड़ा सा इसमें आमंड ऑयल ऐड कर देना है और इन सभी चीज़ों को कर देना है अच्छे से मिक्स। अब इसे अपने पूरे फेस पर अच्छे से लगा लें और लगभग 5 से 7 मिनट तक चेहरे की हल्के हल्के हाथों से मसाज करें। मसाज करने से चेहरे पर ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, चेहरे के दाग धब्बे दूर होते हैं और चेहरे पर नेचुरल ग्लो आता है। इसमें मौजूद हल्दी स्किन की रंगत को सुधारती है, फेस पर ग्लो लेकर आती है और हल्दी के इस्तेमाल से दाग धब्बे, स्किन का कालापन, रिंकल्स, पिगमेंटेशन और फाइन लाइंस को भी दूर किया जा सकता है। और बादाम का तेल स्किन में कसावट लेकर आता है, स्किन में नमी को लॉक करता है और त्वचा को हाइड्रेट भी करता है। इसके इस्तेमाल से झुर्रियों और फाइन लाइंस जैसे एजिंग के साइन को कम करने में मदद मिलती है। बादाम के तेल के रेगुलर यूज से स्किन पर होने वाले दाग धब्बों और पिगमेंटेशन को भी कम करने में मदद मिलती है। 5 मिनट तक फेस की मसाज करने के बाद फेस को साफ कर लें।
इसके बाद हम एक फेस पैक तैयार कर लेंगे। फेस पैक बनाने के लिए आपको चाहिए एक चम्मच दही, आधा चम्मच बेसन और इसमें थोड़ा सा हनी ऐड कर देना है। अब इसे अच्छे से मिक्स करके एक पैक तैयार कर लें। अब इसे अपने पूरे चेहरे पर अच्छे से अप्लाई कर दें। 15 मिनट तक इसे ऐसे ही लगाकर छोड़ दें और फिर फेस को वॉश कर लें। दही का फेस पैक लगाने से स्किन बिल्कुल साफ होती है, त्वचा सॉफ्ट और हेल्दी बनी रहती है। दही के इस्तेमाल से स्किन पर नेचुरल ग्लो आता है। आप हफ्ते में एक बार इस फेशियल को ट्राई कर सकते हैं। फेस को धोने के बाद अपने चेहरे पर मॉइस्चराइजर का यूज़ ज़रूर करें। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप रोज़ वाटर का यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।